हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीटा चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यह वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा जो मनोबल, जो हौसला होता है वीडियो बनाने का, वो काफी ज्यादा बढ़ता है, जिससे और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप भी लोगों के पूछे हुए 5 सवालों का जवाब दूंगा, जिससे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप उसको समझ पाएंगे कि इसे आपको सीखना क्यों चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम आता है? तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यदि हम आज से करीब 10 साल पहले या 20 साल पहले ले, सन 2003, 4, 5, 6 में या 7, 8 में, तो उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सिर्फ रिज्यूम, लेटर, जैसे नॉर्मल सिर्फ टैक्स लिखे जाते थे या फिर बुक्स वगैरह टाइप किया जाते, मतलब लिखे जाते थे, या कोई ऐसा लेटर हेड हो गया, ये सब चीज़ें नॉर्मल डिटेल सिर्फ लिखे जाते थे, तो उसमें किसी तरह का कोई डिजाइनिंग नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में, सन 2019 की बात करें या फिर पिछले 4-5 साल से बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। इसमें आपको अलग से अलग लेटेस्ट सेप्स नज़र आएंगे, बहुत सारे चीज़ अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ठीक है, फॉर्म से लेकर, यदि आपको अपने हिसाब से कोई छोटा मोटा लोगोज वगैरह बनाना है, कुछ आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाना है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ अपने हिसाब से, एक काफ़ी कुछ इसमें डिजाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन कर सकते हैं। लेटर हेड से लेकर, यदि आपको कोई नोटिस या फिर एफिडेविट या फिर कोई आपको स्टाम्प वगैरह टाइप करना हो, तो बहुत आसान तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हैं। साथ में आप क्लिप आर्ट, इमेज, शेप्स, 3D ऑप्शन का मदद से, हेल्प से, आप अच्छे अच्छे से डिजाइन से सारे लेटर को सजा सकते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने का क्या फायदा है? तो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है बेसिक होता है, एक तरह से आप जो ऑफिस में जो डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया जाता है, बेसिक नॉलेज होता है। यदि आप कहीं भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेंटर पर जाते हैं सीखने के लिए, तो आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टूल्स यूज किए जाते हैं, वो आगे चल के लगभग लगभग हर एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि फोटोशॉप, कोलड्रा और भी बहुत सारे जहां पर टेक्स्ट टाइप किए जाते हैं, इन टूलों का यूज किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन कोई मेल वगैरह टाइप करते हैं, तो नीचे आप देखिएगा, वहां पर कुछ टूल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सीखे हैं, तो आगे चल के आपको हर एक सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आप स्पेस को, लेटर को सजाना, सही से टाइप करना, स्पेस कितना देना है, कहाँ पर बीच में गैपिंग क्या है, फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट कलर कैसे करते हैं, फॉन्ट को इटैलिक वगैरह, बोल्ड वगैरह कैसे करते हैं, सारा कुछ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर विभिन्न वर्डों में सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर को आगे सीखना चाहते हैं बहुत सारी चीज़, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहिए, और कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कंप्यूटर सेंटर वाले आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही सिखाएंगे। आप यह सोच के कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मत छोड़िएगा कि इसको सीख के क्या फायदा है, तो इसमें तो सिर्फ टाइपिंग किया जाता है, कुछ लेटर लिखा जाता है, नहीं, बिल्कुल इसको अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए और ये वर्जन क्या होता है, ये क्या हर रोज अपडेट होकर मिलता है? तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वर्जन होता है, वो आपको लेटेस्ट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेटेस्ट रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछला जो वर्जन होता है उससे जो अगला वर्जन होता है वो पिछले से कहीं ना कहीं बेहतर होता है। यदि इस वर्जन में कुछ कमी रह जाता है जो आगे चल के अपडेट किया जाता है, या फिर समय को देखते हुए अलग अलग डिजाइन जोड़े जाते हैं, अलग सेप्स जोड़े जाते हैं, अलग अलग उसमें 3D, जैसे पहले 3D नहीं था, अब 3D आ गया है, पहले ज़्यादा कलर इफेक्टिव नहीं था, अब ज़्यादा इफेक्ट और कलर है वर्ड में, तो इस तरह से फ्रेंड्स वर्जन होता है वो हमेशा अपडेट नहीं होता। जैसे कि जब मैं सीखा था तो उस टाइम 2003 वर्जन है, फिर 2000 चलता था, 2003 के बाद 2007, 2007 के बाद 2010, फिर उसके बाद में 13, 16, 19 ऐसे वर्जन आ चुके हैं। लेकिन अभी जो मैं यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, 2010 वर्जन यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे चलाने में आसान लगता है, अच्छा लगता है, और सारे डिजाइन मिल जाते हैं। लगभग लगभग 2013, 2016 को भी मैं चलाकर देखा हूँ, लेकिन मिलता जुलता सब है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा मुझे, तो इसलिए मैं 2010 को यूज करता हूँ। फ्रेंड्स, यह जो सॉफ्टवेयर के जो वर्जन होते हैं, ऐप की तरह हर रोज हर दूसरे दिन अपडेट नहीं मिलते, इसमें आपको अपडेट आने में कई साल लग जाते हैं या फिर कई महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है बड़ी कंपनियों द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, ये रोज के रोज इसमें छोटे छोटे अपडेट नहीं मिलते हैं।
फ्रेंड जो वर्जन होता है जिस साल में उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाता है या फिर जिस साल के लिए उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाता है उसका वो वर्जन होता है। जैसे कि अभी मैं 2010 यूज कर रहा हूँ, तो समझिए कि 2010 में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया गया था या फिर 2010 के लायक था। तो इस तरह से यदि मान लीजिए अभी 2019 सॉफ्टवेयर मार्केट में वर्ड का आ चुका है तो वो 2019 वर्जन हुआ, तो साल के हिसाब से भी ले सकते हैं या फिर उसका आप दे सकते हैं कि वो कब लॉन्च किया गया था, कब वो लॉन्च होने वाला था, तो इसके ऊपर उसका वर्जन डिपेंड करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी में या किसी भी जगह काम करने के लिए आपको ज्यादा फोकस वर्ड पे करना चाहिए या फिर एक्सेल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आप वर्ड में, यदि आपके पास कंपनी में जो जॉब मिला है वहां पर सिर्फ लेटर वगैरह लिखना है, मेल वगैरह भेजना है, तो वहां पर वर्ड से सिर्फ आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि वही आपको टाइम ऑफिस में काम मिल गया, जॉब मिल गया, वहां पर आपको करीब सैलरी वगैरह शीट बनाना है या फिर बिल वगैरह तैयार करना है, तो वो एक्सेल बहुत जरूरी है। और मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो एक्सेल का है। तो मैं कहूंगा वर्ड तो सीखिए, लेकिन वर्ड सीखने के बाद ही एक्सेल आप सीखिएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा एक्सेल सीखने में, क्योंकि एक्सेल में भी डिजाइन वही होते हैं जो कि एक्सेल वर्ड में होते हैं। हाँ, एक्सेल में उसके सेल होते हैं जो कि कैलकुलेशन फार्मूला ऊपर सब कुछ लगाकर बनाया जाता है, शीट वगैरह तैयार किया जाता है, लेकिन जो डिजाइन करते हैं वो डिजाइन तो वर्ड वाला ही टूल्स होता है। तो पहले वर्ड उसके बाद एक्सेल, लेकिन एक्सेल बहुत जरूरी है। यदि आप वर्ड सीखे हैं तो एक्सेल भी सीखिए। यदि आप एक्सेल बढ़िया से सीख रखे हैं, अच्छी तरह से आपको एक्सेल आता है, तो कंपनी में आपको जो जॉब मिलने का चांस होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अच्छे सैलरी भी आपको मिल सकता है। तो एक्सेल बहुत जरूरी है वर्ड से। एक्सेल यदि आप सीखे हैं तो आपको टाइम ऑफिस में जॉब आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल तरीके से लोगो और आईडी कार्ड डिजाइन किया जा सकता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं। आप प्रोफेशनल तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आईडी कार्ड और लोगो डिजाइन नहीं कर सकते। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से लोगो और आईडी कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं और उसको सीखने के बाद एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आईडी कार्ड का या फिर लोगो का या फिर मोहर वगैरह का, मोहर वगैरह स्टाम्प बनाने का, तो फ्रेंड्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सीखे ही होंगे। आप ध्यान दीजिए कोरल ड्रा पे, कोरल ड्रा और फोटोशॉप पे। फ्रेंड्स फोटोशॉप और कोरल ड्रा में ही प्रोफेशनल तरीके से आईडी कार्ड और लोगो डिजाइन किया जाता है। आप अपने बिजनेस को बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर को सीख के। फ्रेंड्स यदि हम बात करते हैं फोटोशॉप और कोरल ड्रा का, तो इन दोनों में भी आप डिजाइन तो बना सकते हैं, लेकिन यदि एक साथ में बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना हो तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए भी अलग अलग मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको 2,000, 3,000, 4,000 में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप एक साथ में एक्सेल में डेटा टाइप करके बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड कुछ ही मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चलिए आप पहले डिजाइन सीखिए। यदि फ्रेंड्स आप फोटोशॉप और कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्ले लिस्ट तक जा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक कर भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं लगभग 17 से प्लस वीडियो कोरल ड्रा का डाला हूं और फोटोशॉप का लगभग 60 वीडियो से ज्यादा है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड या फिर लोगो वगैरह डिजाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।